हाँ इसको निकाल 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 निकाल। तो गाइस ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कांटा। जब हम बचपन होते थे अपने वहाँ जाते थे और इसको उखाड़ कर इसको खाते हैं, ये बहुत टेस्टी होता है। अभी हम इसको निकालेंगे। संजू भाई निकालो इसको। तो गाइस ये है कांटा, हमने निकाल दिया है। हम एक दो और निकालेंगे, इसको इसको भी निकालेंगे, फिर हम इसको नीचे पानी में धोएंगे और इसको खाएंगे, इसको टेस्ट करेंगे। ये बहुत टेस्टी होता है, बचपन हमने बहुत खाया है ये अपने गांव में। टूट गया है, उसको निकाल पड़े वाले उसको। नहीं ये कच्चे, चल चल इसको, निकाल इसको। इसको खाने में मजा नहीं आता भाई, छोटे छोटे निकाल तो सही, छोटे वाले निकालने पड़ते हैं। माइला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चलो तीन चार निकाल दिए हमने, काफ़ी है इतने। इनको हम नीचे पानी में लेके जाकर साफ़ करेंगे और फिर खाएंगे इनको, और आप लोगों को भी इसका टेस्ट कैसा होता है, कितना मस्त टेस्ट होता है। ये देख रहे हो गाइस, संजू भाई का हाथ पूरा छिल चुका है इसको निकालने में, कितनी मेहनत लगती है। इसको आराम से देख के निकालना पड़ता है, नहीं तो हाथों में चुभ जाते हैं ये। अब वहाँ पर है पानी, इसको हम धोएंगे। चल भाई धो इनको। नेक्स्ट प्रोसीजर साफ सफाई का भाई। ये है यहाँ का नेचुरल वाटर, यहाँ पीछे से निकला हुआ है, मस्त ठंडा है। ये है कंटा, पर ये उतना टेस्टी तो नहीं लग रहा है। मेरा तो टेस्टी था ये, ठीक है ये वाला, ठीक है छोटा वाला। बड़ा वाला तो वो हो चुका था, जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसमें टेस्ट नहीं रहता है, थोड़ा सा नमक होता तो इसमें टेस्ट और दुगुना हो जाना था। तो संजू भाई कैसा रहा कंटा का टेस्ट? मस्त रहा, बड़े टाइम के बाद। जब इस छोटे बच्चे की पैराग्लाइडिंग राइड होने वाली है, आपको हम पूरा दिखाएंगे। मस्त होकर रेडी किया जा रहा है। हाय करो, हाय। सुंदर को रेडी किया जा रहा है राइड करने के लिए, मस्त राइड करेंगे यहाँ से नीचे तक। सो चुकी है, दोबारा से राइड करनी पड़ेगी भाव की। तो गाइस भाव की राइड मिस हो चुकी, यहाँ से जाएंगे हम, मैं आपको सामने दिखाऊंगा, वो सामने आपको घर दिखता है। यहाँ से है पैदल रास्ता ऊपर के लिए, और पैदल ट्रैक है, करीब आधा एक घंटे का पैदल ट्रैक है। और टाइम कितना हुआ अभी? 2 बजे, 3 बजे के करीब वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम देखते हैं आगे कितना टाइम लगेगा हमारे को, क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप हिमाचल की खूबसूरती, क्या मस्त लंच हो रहा है यहाँ पर दादियों के द्वारा। कहाँ से हो दादी जी आप? यहीं से है, घर से लेके आते हैं लंच। यहाँ पर क्या करते हैं आप? हाँ जी, अच्छा ड्रेस में फोटो फोटो, कितने रुपए लेते हैं ड्रेस लगाने के? 100 रुपये। ठीक है जी, बाय। हम ऊपर अंजनी महादेव, इस साइड से रास्ता। अच्छा कितना टाइम लगेगा ऊपर तक?
अरे ठीक है जी, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। तो हम तो गलत रास्ते से चल पड़े थे, तो यहाँ पर हमारे को सही रास्ते का आइडिया लग चुका है, तो हम निकल चुके हैं, हम निकल चुके हैं। यहाँ आगे से है बोल रहे हैं रास्ता, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एलाइड स्पोर्ट्स मनाली, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्काइंग सेंटर सोलंग नाला। तो ये है स्कीइंग सेंटर सोलंग नाला, यहाँ से निकलेंगे हम ऊपर को रास्ता। तो ओ भाई भाई, ये बंदा पता नहीं कहाँ कहाँ से ले जा रहा है, वहाँ भी आंटी ने हमारे को रास्ता बताया। गाइस ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर जाके ऊपर पहुँचना, हमने मेरा दोस्त पता नहीं कहाँ से लाया, वो सामने देख सकते हैं आप, घुड़सवारी, ये सिर्फ ऐसे सवारी है। ओह भाई देख सकते हैं, जब आपके पास गाइड अच्छा ना हो तो ओह फिर ऐसे ऐसे रास्तों से आपको जाना पड़ता है। इधर आ यार, तो यहाँ पर छोटे बच्चों के द्वारा रील्स बनाई जा रही है। अभी हमारे को 10-15 मिनट हुए हैं ऊपर के लिए चढ़ते हुए, आप देख सकते हैं खूबसूरती, वाह क्या मस्त मज़ा आ रहा है गाइस ऊपर चढ़ने के लिए, एकदम से शांति। संजू भाई कैसा लग रहा है ऊपर के लिए? मस्त मज़ा आ रहा है ऊपर के लिए। वहाँ पर है हेलीपैड, और ये आप यहाँ पर उठते भी आ सकते हैं, बाकी आप घोड़ों पर भी जा सकते हो ऊपर के लिए, और गाड़ी भी आ सकती है ऊपर के लिए, बाइक भी ऊपर तक जा सकती है। हम बाइक लेकर नहीं आए, हमने बाइक नीचे ही छोड़ी है, हम थोड़ा पैदल ट्रैक मारना चाहते थे गाइस, क्योंकि पैदल ट्रैक मारने का अपना ही मज़ा है, रास्ते में मंजिलें मिलती रहती है और उन मंजिलों पर रुकने का अपना ही मज़ा है गाइस। सवारी देख सकते हैं गाइस पीछे। सामने आंजनेय महादेव और गाड़ियाँ ये यहीं तक आते हैं, यहाँ से थोड़ा सा है पैदल रास्ता सामने। गाइज हम पहुंच चुके हैं, हमें करीब कितने लगे होंगे, आधा घंटा लगा होगा शायद, है ना, आधा घंटा लगा, और आधे घंटे से कम टाइम में भी हम पहुंच गए। अंजनी महादेव मंदिर के बारे में बताया जाता है कि
यह वही स्थान है जहां माता अंजनी हनुमान जी की माता ने पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की तपस्या की थी और महादेव शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यहीं दर्शन दिए थे और माता अंजनी को इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद भी दिया था। अभी से यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ महादेव के दर्शनों से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसीलिए इस स्थान को अंजनी महादेव के नाम से जाना जाता है। ये जो झरना गिर रहा है गाइस, ये जलधारा जो है ये शिवलिंग के ऊपर गिरती है। ऊपर जाकर आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्त जा रहा है वहाँ से बर्फ लाने के लिए, तो हम वहाँ से बर्फ लाएंगे, थोड़ा बर्फ टेस्ट करेंगे। बस भाई लेके आए इतने इसको, बस 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 इतना काफी है। घर में होते, घर में तो हम इस टाइम तो हमारे वहाँ दबा के बर्फ होती है खाने के लिए, जब भी हम अपने गांव के आउटसाइड नाले में जाते हैं तो ऐसे बहुत से बर्फ के नाले मिलेंगे आपको जहाँ पर बर्फ अभी भी जमी होगी। और यहाँ पर हमें चलो बर्फ मिल गई, यहाँ पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ भी बर्फ के ढेर लगे हुए हैं। जय महादेव। आप करेंगे, धोएंगे, फिर थोड़ा सा टेस्ट करते हैं बर्फ को। बहुत टाइम है हम बर्फ को टेस्ट करने में। भाई इतना ठंडा है ना, हाथ तो मेरे पूरे जाम हो चुके हैं। जब तू धोना आता है यहाँ से घोड़ी। हाँ भाई इतना ठंडा है। गाइस बहुत मजा आ रहा है, बहुत टाइम है बर्फ। क्या है भाई आपने पूछा? तो कैसा लग रहा है भाई? बहुत ठंडा है। बर्फ खाकर ठंडा। भाई देख बर्फ टेस्ट करने को मिली है हमें यहाँ पर। ये क्या है? ऊन। ऊन काट रहे हैं इसको। मैं काटूं? टूट गया। आंटी ने गाली दी। गाली दी ओ भैया, मैंने क्यों देने गाली? आ जाओ। क्या बना रहे हैं साहब? इसको ऊन का भी बना रहे हैं कुछ? ऊन का ही? हां का ही। गाइस ये है ऊन का, हमारे वहां पे, हमारे वहां पे बनाए जाते हैं। देखो ऊन में एक्सपर्ट। लोगों की फैक्ट्री होती है यहां ऐसी। थैंक यू। सब बनाया ऊन का चाहिए। तो गाइस घोड़े को ठंड लग चुकी है यहां पे। गाइज अपनी मैगी हो चुकी है रेडी, अब हम जाएंगे मैगी खाने के लिए ऊपर। तो
भाई मैगी खाने के लिए आ चुके हैं हम पहाड़ पर, भयंकर गर्म। वही फोन को मेरा इसमें रखे, गिर गया ना। हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे। वही से चले भाई, कहीं मैगी की प्लेट गिर गई ना भाई, 70 रुपये का नुकसान हो जाएगा। 70 रुपये की प्लेट मैगी मिली है भाई। हम बैठेंगे इस जगह पर और सामने भी दिखाएं भाई, यहाँ से मैगी पॉइंट व्यू। ओह जबरदस्त मैग, 70 रुपये प्लेट है गाइस। गलती से ले लिया हमने इसमें लोकल। बारिश हो चुकी है स्टार्ट, आप देख सकते हैं, और हम अब जा रहे हैं नीचे की ओर भागते भागते। हमने जाके सोलग नाला पहुँचना है गाइस। वे देख सकते हैं कितनी खतरनाक भीड़ है। ये वाली को दिखा यार भाई, कितनी बड़ी। ये देख भाई, ये वाली कितनी खतरनाक है। मुझे डर तो है वाला। ओ यार इसे क्या मस्त है, ये वाला है। ऐसे कौन है रे, कौन वो यार राज, तुम बड़ा ला 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 छोटू छोटू, इसका पूंछड़ भी भयंकर है। अब वाला भी है ना, था चल आएंगे जो मस्त शरीफ चुस्त भाई। आज साथ में पाड़ा भी है हमारे को। अब तो गाइस थोड़ी देर बाद इनको भी ले जाएंगे हम वापस। तो गाइस चाली भाई चल चुके हैं वापस मिशन की ओर। यहीं से हमने ऊपर के लिए स्टार्टिंग किया था और हम फाइनली यहीं नीचे वहीं पहुंच चुके हैं। हॉट एयर बैलून रेडी हो रहा है थोड़ी देर में उड़ने के लिए। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 15 रुपए ना, 1500 रुपए।